हम लोग विश्व गुरु कहे जाते थे। क्यों? क्योंकि दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए थे। चाइना से हैंसांग आया, फायान आया, आज कोई नहीं आता है। हम लोग का उद्देश्य एक समय आएगा जो फिर आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। देखिए, हमको लगता है ना कि जिसे जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती थी, तो हम लोग इसको खोते जा रहे हैं। रीजन क्या है कि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है, तो हमको ना ये एक छोटा सा हिस्सा दिखता है कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये एक वो फौज तैयार हो रही है ना जो भारत को वो पुराना गौरव दिलाएगी। तो हमको वो एक बड़े एस्पेक्ट्स में सोचना है कि हमको कैसे पूरी एक समझिए कि एक पढ़े लिखो की एक सेना खड़ी करनी है जो तलवार से नहीं कलम से लड़ेगी। और उस समय जब भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, हमको वही वाला भारत चाहिए। और इसके लिए बहुत बड़ा फीस देंगे तो नहीं पॉसिबल है। हमको चाहिए कि वो एक ठेला वाला, रिक्शा वाला जो है, जिसके पास कुछ नहीं है पैसा, एक रुपये भी पड़ सा वो भी नहीं है तो भी आए, तो भी पढ़ाएंगे हम उसको। लेकिन तुम हमारी भारत की जो भारत निर्माण की जो सेना है उसमें पीछे नहीं रह सकता है। हर इस भारत निर्माण के हर सैनिक के हाथ में एक कलम हो। हर स्टूडेंट को ना इतना जी जान लगा के मेहनत करना चाहिए ना कि उसकी सफलता से केवल उसका परिवार नहीं बल्कि पूरा देश गौरवान्वित होना चाहिए। आज अब्दुल कलाम, विवेक बिंद्रा जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों से केवल उनका परिवार प्रभावित नहीं, पूरा देश। तो उसकी मेहनत उस तरह से होना चाहिए कि उसको देश को प्रभावित करना। ऐसा नहीं कि एक घंटा पढ़ लिए या कर लिए, तो उनको पूरी मेहनत करना चाहिए। और ये जो इस डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, उनको ऐसे चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो उनके काम लायक चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें ऐसे एंटरटेनमेंट के तौर पर है लेकिन वो काम लायक चीज़ें, तो इस सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और हमेशा देश को बात करना चाहिए, ग्लोब पर हमारे काम का कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं।